उसे एक मटका दिखता है। चलो इतनी गर्मी में पानी तो मिला, अरे ये क्या, इसमें तो पानी ना के बराबर है, अब क्या करूं? परेशान पिंटू इधर उधर दूसरा घड़ा खोजने लगता है, लेकिन उसे वहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा घड़ा दिखाई नहीं देता। ऐसे में उसे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। पत्थरों को देखकर उसे फिर वही याद आता है। अगली बार किसी के लिए खाना बनाओगे तो पानी में यही उबाल देना, तुम्हारी उबली हुई दाल से नरम ही बनेंगे। अपने बड़े भाई की इस बात को पिंटू अब दूसरे नजरिए से देखता है। वो कैसे दादी? पत्थर को पानी में उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बर्तन में दोनों को डालना पड़ेगा। तो बस पिंटू ने इसी तरह से उन पत्थरों को बर्तन में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मटके में पानी का स्तर ऊपर आने लगा और पिंटू ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। तो पिंटू फिर घर गया? ये तो नहीं पता, लेकिन इस कहानी से हमें